हे ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फॉरगिवनेस के बारे में, यानी हाउ इम्पोर्टेंट टू फॉरगिव एनीबॉडी, यानी किसी को भी माफ करना कितना जरूरी होता है। देखो हमारी लाइफ में बहुत सारे लोगों से हम मिलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, यू नो हमारे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, देन हमारे पेरेंट्स हो गए या कोई भी फॉर देट मैटर, हमारे साथ कभी ना कभी कुछ चीज़ें सही होती है, कुछ चीज़ें गलत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आपको हर्ट करते हैं, आप उन्हें हर्ट करते हो या यू नो कुछ भी होता रहता है। जब भी आप किसी से भी मिलते हो, यानी आपके जो दोस्त है, आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो फैमिली मेंबर्स है या कोई भी हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर के आप कुछ गलतियां करते हो, वो कुछ गलतियां करते हैं। गलतियां प्लस गलतियां इज इक्वल टू बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी गलतियां आप आपस में करते रहते हो। आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक दूसरे को माफ कर देना। सबसे पहली बात तो कुछ लोग ऐसे रिजिड रहते हैं कि वो किसी को भी माफ नहीं करते, वो बड़ी एरोगेंट रहते हैं कि भाई नहीं भाई मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है उनके रिलेशंस कभी किसी के साथ अच्छे बन नहीं पाते, बिकॉज वो किसी को माफ ही नहीं करना चाहते। आपको कभी ये नहीं सोचना कि भाई किसी ने जो गलती की वो बहुत बड़ी गलती है। देखो जो आपको बैकस्टैप कर रहे हैं, जो आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं, ये सारी चीज अगर कोई कर रहा है, जिसकी बात हमने एक वीडियो में करी थी बिट्रेयल की, वो तो अलग बात होगी, वहां पे तो आपको उस पर्सन के साथ रिश्ता तोड़ देना है। लेकिन अगर गलती किसी से होती है, देखो गलती सबसे होती है, आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी होती है, हर किसी से होती है, तो अगर किसी से कोई गलती होती है, उस इंसान को उस गलती का रियलाइजेशन है, तो उस पॉइंट पे अगर आपको ऐसा वो आकर के अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहां पे उसको माफ करना ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ये आपका फर्ज होता है। बिकॉज हमारे स्क्रिप्चर्स भी हमें यही कहते हैं कि जो माफी मांगने वाला है उससे माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो आपको हमेशा औरों को माफ करना चाहिए, कोई भी हो फॉर दैट मैटर। अगर किसी से कोई गलती होती है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपको वहां पे उस पर्सन को माफ करना है। अगर आप उसको माफ करोगे तो उसको आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है ना, उसको अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका मिलता है। जो जेल में जो कैदी होते हैं, जिनको किसी भी चीज की सजा मिलती है, किसी ने चोरी की, फिर किसी ने खून किया, कुछ भी किया, उस सारी चीजों की जिन्हें भी सजा मिलती है, उन्हें सजा क्यों मिलती है, 8 साल की सजा, 10 साल की सजा क्यों देते हैं, तो उन्हें रियलाइजेशन हो कि भाई हमने जो गलती की उसकी वजह से हमें इतनी लंबी सजा मिल चुकी है, तो आगे से वो गलतियां ना करे। यानी उन्हें कानून तक उनको क्या करता है, सुधारने का मौका देता है। आपसे भी तो काफी गलतियां होती है ना, यूनिवर्स आपको हमेशा माफ करता रहता है, तो आप क्या यूनिवर्स से बड़े हो गए जो आप किसी को माफ नहीं कर रहे हो, है ना। आपको भी हमेशा औरों को माफ कर देना चाहिए। अगर किसी से भी आपके फ्रेंड से या किसी से भी किसी भी पॉइंट पे जाके कोई गलती हो रही है और उसको अगर उस गलती का रियलाइजेशन है, तो वहां पे उसको माफ करना आपका काम होता है। अगर आप माफ नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो, उसको आगे बढ़ने का या सुधरने का मौका नहीं दे रहे हो। इसलिए किसी से भी कोई भी गलती होती है आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, किसी से भी, आपकी जिम्मेदारी होती है बकायदा कि आपको उस पर्सन को माफ कर देना है। अगर आप उसे माफ करोगे तो वो अपनी गलतियों से आगे बढ़ेगा और लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगा। देखो दो तरह के लोग होते हैं यहाँ पे, एक होते हैं जो दिखावे के लिए ढोंग कर रहे होते हैं कि भाई नहीं नहीं मुझे रियलाइजेशन हो चुका है, ये हो गया, वो हो गया, और मुझे माफ कर दो वगैरह वगैरह। तो आपको उन लोगों को पहचानना है, जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं काफी सालों से, यू नो 2-4 सालों से, तो आपको पता है उनके बारे में, उनकी रेपुटेशन आपको पता है कि कोई किस हद तक झूठ बोल सकता है, कोई यू नो अगर गलती हुई और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ना चाहते, कुछ भी फॉर दैट मैटर। अगर ऐसा है तो आपको उसको समझना है, जो आपके लाइफ में लोग, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा गलती करते हैं, बार बार आके सॉरी बोल रहा है, व्हाट डज इट मीन, वो नकली है, वो बार बार आपको सॉरी बोले ताकि आपसे सिंपैथी गेन कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो रियलाइजेशन हो गया है, मुझे माफ करो, ये करो, वो करो, और जैसे आपको जैसे उसको आपसे सिंपैथी मिलती है वो क्या करता है, फिर से वही गलती दोहराने लग जाता है। तो यहाँ पे आपको उसे माफ नहीं करना है, बिकॉज वहां पे आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा ना, जो मैंने आपको बिट्रेयल की वीडियो के टाइम पे बताया था कि वहां पे आपको स्टेप लेना है, उस पर्सन से दूर हो जाना है, बिकॉज वो बार बार वही गलतियां कर रहा है और आपसे सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से आपको उल्लू बना रहा है, आपका काटे जा रहा है, वो गलती आपको नहीं करनी है। दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं कि उनसे गलती से कोई गलती हो जाती है और उस गलती को सुधारने का अगर आप उन्हें मौका नहीं दोगे तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे उस पर्सन को मौका देना है, एंड वो अपनी गलती को अगर सुधारना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसको एक मौका मिलना चाहिए, उसको उसकी गलती सुधारनी देनी चाहिए आपने। ये हो गया पहले केस में जहां पे आपको औरों को माफ करना होता है। अभी तक हमने जितने भी बातें करी, हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें औरों को मौका देना चाहिए। क्यों मौका देना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स भी आपको मौका देता रहता है, आपसे भी काफी गलतियां होती है, आपने भी अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, आप भी उन सारी गलतियों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हो वगैरह 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 होता रहता है। तो औरों ने आपको माफ किया तो आपका भी फर्ज है कि आप भी औरों को माफ करो। यूनिवर्स ने आपको माफ किया तो अगेन आपको भी औरों को माफ करना चाहिए। ये हो गया उस केस में। यू नो हम बड़े ही दिलदार लोग हैं, हम बड़े ही अच्छे लोग हैं, हम बड़े ही ये लोग हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, हर कोई बहुत अच्छा है, हम सबको माफ करते हैं। अगर कोई आपसे आके बोलता है, देखो हमने पहले किसकी बात करी, ऐसे रिजिड लोगों की जो किसी को माफ नहीं करते, मैं दूसरी किसकी बात करी, आपके और मेरे जैसे अच्छे लोगों की जो सबको माफ करते, बहुत अच्छे, आप भी बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हम बहुत बुरे हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू फॉरगिविंग आवर सेल्फ। जब खुद को माफ करने की बारी आती तब हम बड़े ही रिजिड हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम खुद को माफ ही नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है, हम अपनी लाइफ में सबको माफ कर देते लेकिन हम जब खुद को माफ करने की बारी आती तो हम खुद को माफ नहीं करते। देखो सबसे गलतियां होती है लाइफ में जब आप औरों को माफ करते हो, तो औरों को आप क्यों माफ करते हो, बिकॉज वहां पे आप नहीं हो, लेकिन
ऐसा नहीं होता है। आप में, आप और मैं, हम सेम ही है, हमारे में कोई फर्क नहीं है। जैसे मुझे भी आँख का, नाक मुंह, हाथ पैर सब कुछ है, वैसे आपको भी है ना। तो व्हेन इट कम्स टू फॉरगिविंग अवर ओन सेल्फ, वहां पे हम बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, सबको माफ करते हैं लेकिन अपने आप को माफी नहीं करते, या फिर माफ नहीं करना चाहते। देखो आपसे, मुझसे, हम सबसे लाइफ में काफी गलतियां हुई है, हमने बहुत बार यू नो कहीं ना कहीं गिरे है, कहीं ना कहीं से बहुत बार उठे है। तो हम एक ही गलती को लेके ना अपने माइंड में घूमते रहते हैं कि अरे नहीं, पता नहीं 4 साल पहले मेरे से गलती हो गई थी, 10 साल पहले मुझसे ये गलती हो गई थी, पता नहीं मैंने वो नहीं किया होता तो आज ये नहीं होता, वो किया होता तो वो हो जाता। तो ये सारी चीजों को हम लेके बैठते हैं और उसी की वजह से हमारा जो साइकिल चलता रहता है, वही सारी चीजें हमारे माइंड में घूमती रहती है और उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते। देखो अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपको खुद को माफ करना पड़ेगा। हमारे स्क्रिप्चर उठा के देखो आप, वहां पे भी जो हमारे जो भी स्क्रिप्चर में बड़े बड़े लोगों का नाम लिया गया है, उन सबसे भी गलतियां हुई, उन्होंने भी गलतियां करी, उन्होंने भी आगे बढ़े, उन्होंने भी अपने आप को माफ किया। जब आप अपने आप को माफ करते हो और आगे बढ़ते हो तो आपको यू नो आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हो, बिकॉज आप उस गलतियों से कुछ सीख करके आए और वो गलती आप आगे नहीं दोहराना चाहते। बिकॉज अगर आप औरों को मौका दे सकते हो तो आप खुद को मौका क्यों नहीं दे रहे हो, जबकि यूनिवर्स तक आपको मौका देना चाह रहे हैं। देखो आपके मन में क्यों आता है सब कुछ, आपने सुना तो होगा कहीं ना कहीं कि हमें खुद को माफ कर देना चाहिए, ये थॉट आपके माइंड में कहां से आया, कहीं से आपने सुना तभी तो आपके माइंड में थॉट आया। तो थॉट आपके माइंड में किसने डाला, जिस भी पर्सन ने बोला होगा उससे आपने सुना और आपके माइंड में थॉट आया, इट मींस इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स आपसे चाहता है कि भाई तुम अपने आप को माफ करो, और ये काफी जरूरी है ना, आपको अपने आप को माफ करना चाहिए। बिकॉज यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि आपसे जो भी गलतियां हुई उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। बिकॉज जब आप देखते हो कि सनराइज होता है और सनसेट होता है, इससे हम क्या सीखते हैं कि रोज एक नया सवेरा होता है, वो सवेरा हमें क्या बता रहा है कि भाई कल तक जो भी हुआ वो अंधेरा था, अंधेरे में चला गया, खत्म हो गया, रात गई बात गई। तो आप उन सारी चीजों को, वो बर्डन अपने माइंड पे, अपने दिमाग में लेके क्यों बैठे हो, जिसकी वजह से आप कभी ग्रो नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको अपने लाइफ में सच में ग्रो करना है तो आपको खुद को माफ करना सीखना पड़ेगा। आपने लाइफ में कितनी भी बड़ी गलतियां क्यों ना करी हो, उस सारी गलतियों को छोड़ो, ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ी गलतियां की है। मैंने काफी लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है अपने लाइफ में, फिर भी आज जाके वो ऐसे मुकाम पर है कि आप वो सोच भी नहीं सकते वो क्यों उस मुकाम पर पहुंचे, जस्ट बिकॉज उन्होंने खुद को माफ किया। उन्होंने ये सारी चीजें लेके नहीं बैठे कि अरे पता नहीं मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, ये नहीं रह गया, वो नहीं रह गया। आप खुद सोचो आपसे कौन सी ऐसी गलती हो सकती है कि जो जिस वजह से आप खुद को माफ नहीं कर सकते, जबकि यूनिवर्स तक आपको माफ करना चाहता है, भगवान आपको माफ करना चाहता है। आपको पता है भगवान आपको क्यों माफ करना चाहता है, बिकॉज आप खुद सोचो, जिस भी भगवान ने, जिस भी गॉड ने, जिसने भी एनर्जी को या कुछ भी को, कोई ना कोई तो जो इस यूनिवर्स को चला रहा है और जो भी इस यूनिवर्स को चला रहा है उसके पास क्या आपकी गलती को लेके बैठने का टाइम है क्या? वो क्या सोचता है बैठेगा कि नहीं तुमने ये गलती कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं तुमको पाप, अभी तुमने पाप कर दिया, तुमको दंड दूंगा, तुमको ये करूंगा वो करूंगा। वो क्या तुम्हारे पीछे बैठा है, 800 करोड़ लोग है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने बड़ा यूनिवर्स, इतने सारे गैलेक्सीज है, स्टार्स है, इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना सब कुछ इस यूनिवर्स के अंदर, क्या वो आपकी गलतियों को लेके बैठेगा? उसके पास टाइम नहीं भाई इतना कि वो शुभम ने क्या गलतियां करी उसको मैं लेके बैठूंगा, उसका हिसाब लिखते बैठेगा, नहीं अभी शुभम ने ये गलतियां करी तो अभी शुभम आगे नहीं बढ़ पाएगा, ग्रो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, अपने आपको डिप्रेशन में डाल देगा, एंजाइटी भी उसको होगी, ये होगा वो, क्यों? उसके पास इतना टाइम नहीं है। आपको बस क्या करना है, द मोमेंट आप कोई गलती करते हो या फिर आपने कुछ भी बड़ा, कोई भी बड़ी गलती कर दी फॉर दैट मैटर, तो आपको उस गलती को लेना है, समझना है कि हाँ ये चीज मुझसे गलत हुई है, और उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। देखो क्या होता है ना, जब भी आप कोई चीज, कोई काम करते हो तो आपको पता नहीं होता वो गलत है कि सही है। करने के बाद जब उसका आउटकम आपके अकॉर्डिंग या फिर आउटकम इसका प्रैक्टिकल आउटकम नहीं निकलता, यानी सही आउटकम नहीं निकला, इट मींस आपने कुछ वहां पे गलत कर दिया। तो आपको पता था वो ऐसा होने वाला है, समझ रहे हो? जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड पे चला रहे हो, पता नहीं आगे वाले ने ब्रेक दबा दिया और गाड़ी आपकी ठुक गई, या फिर आपका ब्रेक फेल हो गया, आपने उसको गाड़ी को ठोक दिया। तो क्या आपको पता था, आप क्या ठोकना चाहते थे? नहीं ना, वो गलती से हुआ ना। तो वहां पे आपको खुद को माफ करना है। आप ये लेके बैठोगे अरे पता नहीं मैंने उसकी गाड़ी ठोक दी, मेरे 50,000 वेस्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया, कब तक वो बर्डन अपने ऊपर लेके बैठोगे, है ना? वो मत करो, आप खुद को माफ कर दो, बिकॉज वहां पे आपने कोई चीज डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं की, इंटेंशन के साथ नहीं की है ना, वो गलती से हुआ है। सो द थिंग इज, जहां पर भी गलती होती है वहां पे खुद को माफ करो, और अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको माफ मत करो, बिकॉज वो जानबूझ के कर रहा है, समझ रहे हो? गलती करना और गलती होने में बड़ा फर्क होता है। अगर कोई गलती कर रहा है या फिर आप गलती कर रहे हो, इट मीन्स आप वो चीज गलत कर रहे हो, यानी आपकी कॉन्शियसनेस वहां पे जागी नहीं, या फिर आपको मॉरली, एथिकली, लीगली सही से चलना क्या है वो पता नहीं है। अगर वो पता नहीं तो आई बटन के अंदर जो वीडियो आ रही है उस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा मॉरली, एथिकली, लीगली सही से चलना क्या होता है। ओके, सो द थिंग इज, आपको मॉरली, एथिकली, लीगली सही से चलना है, आपको इस सोसाइटी के नॉर्म्स को, इस सोसाइटी की जो भी सारी चीजें उसको लेकर के चलना है, कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। अगर गलती होती है तो उस पर्सन से जाके माफी मांगो और चीजों को सॉर्ट आउट करो। खुद से गलती होती है तो खुद को भी माफ करो, और आपको खुद को माफ करना ही चाहिए, बिकॉज
सबसे गलतियां होती है। यूनिवर्स सबको माफ करने को बैठा है, आप सबको माफ करो तो आप खुद को माफ क्यों नहीं करो, जबकि यूनिवर्स खुद आपको माफ करने के लिए बैठा है। वो चाहता है कि वो आपको माफ करे, वो आपको मौका देना चाहता है, और हर रोज आपको एक मौका मिलता है। जब रोज सनराइज और सनसेट होता है, इससे समझ में क्या आ रहा है कि अगर रोज ये साइकिल चलता रहता है तो आपकी गलतियों का भी साइकिल रोज चलता रहता है। आप सुबह से लेकर रात तक बहुत गलतियां करते हो, आपने किसी कुछ गलत बोल दिया, अपने मन में किसी के बारे में बुरा सोच लिया या कुछ भी कर लिया, है ना, तो उससे वो चीज क्या है, आपने गलत किए। तो गलती आप रोज करोगे, उसके लिए आपको रिपेंट रोज करना है। रोज रिपेंट करोगे तो रोज शांति की आपको नींद आएगी, और शांति से सोओगे तो सुबह अच्छे से उठ पाओगे। अच्छे से उठोगे तो अगेन नया दिन होगा, नए दिन की नई गलतियां, नई गलतियां करो, नए फिर से उसको रिपेंट करो। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, आपको एक सर्टिफिकेट या लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ कि भाई रोज जाके गलतियां करो। अनजाने में हुई वो गलती होती है, जानबूझ के कोई वो गुनाह होता है, तो समझो इस बात को। आपको गलतियां होती है तो ठीक है, गलतियां कोई करता नहीं, गलतियां होती है हमेशा, और जो भी करता है वो गुनाह करता है। एक बार किया तो उसको गलती कह सकते हैं, बार बार करोगे तो हम इसको गुनाह ही कहेंगे, बिकॉज जिससे भी गलतियां होती है वो एक दो बार ही होती है। गलती हमेशा होती है, गुनाह हमेशा किया जाता है, तो आप जो भी करते हो ना डेलिबरेटली उसको गुनाह कहते हैं, और जो भी आपसे हो रहा है ना उसको गलती कहते हैं। तो गलती के लिए तो हमेशा माफी होती है, लेकिन गुनाह के लिए कोई माफी नहीं होती, गुनाह के लिए हमेशा सजा होती है। जो आपके जेल में जो लोग पड़े होंगे ना, जैसे जिन्होंने चोरी किया, ये किया, वो किया, उनको मिलती रहती है। तो गलतियों की सजा नहीं होती, गलतियों के लिए माफी होती है, और गुनाहों के लिए सजा होती है। तो आप खुद को सजा क्यों दे रहे हो कि भाई पता नहीं 4 साल मैंने पहले मैंने ये चीज कर दी थी, तो उसको सजा आज भी मैं खुद को दे रहा हूँ, इसे मत करो। देखो आप अपने दिल में किसी के भी लिए अगर ईर्ष्या पाल रहे हो, कुछ भी लेकर के बैठे हो, यानी अगर जलता हुआ कोयला अगर आप अपने मन में लेके बैठे हो कि नहीं उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको माफ नहीं करूंगा, या मैंने खुद के साथ कुछ गलत, यानी मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उसकी ईर्ष्या आप खुद के मन में लेके बैठे हो, तो ये गलत है। बिकॉज जलता हुआ कोयला हाथ में लेके आप किसी को फेंकने जाओगे या फिर हाथ में लेके बैठोगे ना, आपका हाथ पहले जल रहा है, समझो इस बात को। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। औरों की गलतियां हो या खुद की गलतियां हो, हमेशा माफ करना सीखो, बिकॉज यूनिवर्स आपको सिखा रहा है वही चीज। बार बार मैं यूनिवर्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं आपको उसकी गहराई, उसकी डीपनेस समझाना चाहता हूँ कि जो पूरा ब्रह्मांड है ना वो बना इसीलिए ताकि वो आपको ग्रो करने का मौका दे, आपको एक्सपैंड करने का मौका दे। जब भी आप अपनी गलतियों को लेकर के बैठते हो ना तो आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हो, और जब भी आप खुल करके खुद को माफ करते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो आप एक्सपैंड करते हो। देखो साइंस भी यही कहता है कि जब आप किसी भी चीज को ब्रेन में लेकर के सोचते रहते हो ना तो क्या होता है, जिस भी चीज के ऊपर आप बैठ करके फिर वो डिप्रेशन है कुछ भी हो, अगर आप उसके ऊपर बैठ करके ज्यादा सोच रहे हो तो क्या होता है, वो चीज एक्सपैंड करती जाती है। तो अगर आप अपनी गलतियों को लेकर के बैठोगे तो एंड में जाकर के आपको दुखी होने वाला है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि जैसे आप औरों को माफ करते हो वैसे खुद को भी माफ करो, बिकॉज यूनिवर्स आपको माफ करना चाहता है। जैसे वो औरों को माफ करना आपको सिखाता है, वैसे वो ये भी सिखाता है कि आप खुद को भी माफ कर दो, अपने खुद को भी माफ करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। इस टॉपिक को लेकर अगर मैंने कोई चीजें छोड़ी तो प्लीज अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड स्टे ट्यून्ड।